नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रीतु सिंह और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। देश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए रामबाण कहे जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की लगातार कालाबाजारी हो रही है। मजबूर लोगों को भारी कीमत में इंजेक्शन दिया जा रहा है और ऐसे तस्करों पर प्रशासन की सख्त नजर है। उज्जैन में रेमडेसिविर इंजेक्शन की तस्करी की जानकारी मिलते ही कलेक्टर और SP हरकत में आए। 8 तस्करों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी देशमुख हॉस्पिटल और RD गार्डी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी हैं, जो भारी कीमतों में कोरोना मरीजों को इंजेक्शन दिया करते थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी से संबंधित कुछ छुटपुट शिकायतें आ रही थी और हम और SP साहब लगातार इस प्रयास में थे कि अगर ऐसी कोई भी शिकायत है तो इसको तत्काल पकड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी निर्देश दिए गए थे कि इस प्रकार से कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अच्छी बात है, पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए पहले 2 लोगों को और फिर 8 लोगों के गिरोह को पकड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश हैं कि ऐसे लोग जो ऐसे संकट की घड़ी के समय इस प्रकार का काम कर रहे हैं, इनसे बड़ा समाज का दुश्मन और राष्ट्र का दुश्मन कोई हो नहीं सकता। अतः जितने भी 8 लोग हैं सभी पे रासुका की कार्रवाई अभी अगले 3-4 घंटे के अंदर हम लोग करेंगे। इनको पकड़ कर जेल में बंद करेंगे। कुछ अस्पताल हैं जिनके एम्प्लॉयज़ के नाम अभी तक हमारे सामने आए हैं और उन सभी के खिलाफ व्यक्तिगत हम लोग कार्रवाई करेंगे। आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर उसमें कुछ और नाम आते हैं या किसी प्रबंधन का इंस्टीट्यूशन का नाम आता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। हमारे पास एक सूचना इसकी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन को लगभग ऊंचे दामों में 30,000 रुपए में बेच रहे हैं। उसमें हमारी एक डेडिकेटेड टीम साइबर टीम को लगाया गया था जिनने इसको ब्रेक किया है। अभी तक हमें 2 लोग जिनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी उनको पकड़ा और उसके साथ जो पूरी चेन निकली है उसमें हमें अभी 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और इसमें 2 लोग के हैं जो पहले पकड़े गए हैं, ये पूर्व एम्प्लॉयज़ हैं RD गार्डी के। इसके अलावा फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, साथ ही 3 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो देशमुख हॉस्पिटल के सामने आए हैं और अभी हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसमें कोई भी व्यक्ति और सामने आते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई। ये किस प्रकार से कालाबाजारी करते हैं? ये सामान्य तौर पे जो इंजेक्शन जो सप्लाई होते थे हॉस्पिटल्स को, जो आजकल रेमडेसिविर जैसे आ रहा है उसको जो सप्लाई करते थे और इनके हॉस्पिटल में जब जाता था तो उन जिन मरीजों को लगना है उनको से बचा कर ये मार्केट में बेचते थे।